उनको तो सारा ज्ञान है, आकाशी के पास है, सब कुछ ज्ञान है। तो बोले हम लोग देखना चाहते हैं स्वर्ग और नर्क और आत्मलोक पर बुद्धि लो कि क्या है वहां। बोले इसके लिए तो आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। करते हैं सांप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसे काम नहीं चलेगा। सातों चक्रों को जाने चलना पड़ेगा, मूल धारा से लेके सहज धारा। तो उनका ठीक है, कहीं कहीं लिखा कि वो लोग हिमालय चले गए दोनों आदमी, कहीं कहीं लिखते नहीं हटे आदमी ने किया तो मतभेद है। एक महीने की तपस्या में दोनों आदमी सहज धार का निर्णय कर दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उन्होंने टच किया नर्कोस को, जिसको एस्ट्रल वो कहते हैं, एस्ट्रल ब्रेन कहते हैं, और मेंटल ब्रेन को टच किया और टच करके देखा कि क्या क्या हो रहा था। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं, सब चीजें देखते हैं और याद भी रहता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वही। और समाधि में गए थे तो समाधि में ये दिमाग में रखा था मुझे सब कुछ याद रखना है, तो जो संकल्प करके आप जाएंगे स्वप्न में वो संकल्प पूरा होगा। और दोनों में निकल अलग अलग किताबें और दोनों में 90% चलता है। और इसी में जैसा आप पढ़ते हैं एस्ट्रल प्लेन है, फिजिकल प्लेन है, मेंटल प्लेन है, लोअर एनवायरमेंटल बुद्धि लोग सब कर दोनों लिखा। और आज उसकी नकल करके आज इंडिया में खूब मची हुई है, किताबें तमाम छप रही है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं सेवन प्लेन पर। तो एक ये घटना जो कुछ कम लोग जानते हैं क्योंकि ओल्ड डायरीज कोई पढ़ते नहीं, ओल्ड डायरीज बहुत लंबा चौड़ा है। दूसरी घटना एक और है उनके जीवन की, करके फिर हम करते हैं। दो डकैत मर्डर बनारस में जेल से छूटे, उसके घर वाले ने मना कर दिया, अरे हम नहीं ले जाएंगे, सारे रिलेशंस बोले नहीं डकैत हैं मर्डर हैं इनको हम अपने घर नहीं ले जाएंगे। तो जेल से छूटे नहीं, हालांकि रिलीज हो गए थे वो ऑफिसर ने, जेलर ने कहा फिर क्या करें, बोले हम जाएंगे नहीं, हम जेल में रहेंगे, कहाँ जाएं हम, हमको मार डालेंगे लोग। तो ये एमी पेशेंट को किसने बताया, बनारस में थी बहुत दिन तक, बनारस में रही है वो 1907 के और पहले तक बनारस में रही थी, 1893 में आई, 10-12 साल बनारस उनको प्राप्त किया था। तो बनारस में थी और उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी थे वो भारत रत्न भगवान दास जी थे। उनका क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा हम ले लेते हैं दोनों आदमी को। और यहाँ से आदमी गए बोले जनरल साहब हम लोग ले जाए, ले आए उनको दोनों को नौकरी दे दी यहाँ रखे। और फिर जब अध्यक्ष बनी जब उसके पहले अडियार गई तो मद्रास ले गए और वो सब जीवन पर्यंत वही रहे वहीं बने। तो ये जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत घटना है। बाकी तो शिक्षा है और सारी चीज़ें, जब शिक्षक होगा तो आप बताएंगे सभी को बताएंगे और सभी को इन्वाइट किया गया कि अगर कोई बोलना चाहे तो 5 मिनट हो सकता है, 5-10 मिनट। ये तो मुख्य घटना और भी कई घटनाएँ हैं।